नमस्कार। शुरुआत की नेचुरोपैथी में आज आपका एक बार फिर से स्वागत है। हम पिछली कड़ी में मैंने आपको बहुत से स्वप्न के अच्छे और बुरे कारण बताए थे। आज फिर मैं आपको कुछ और स्वप्न में अच्छे और बुरे देखने का योग बताता हूँ कि अगर आप सपने में रोटी खाते हैं तो आप ये मान के चलिए कि आपको धन का लाभ होगा, राजयोग होगा, और शमशान में अगर शराब पीते हैं तो ये शीघ्र मृत्यु का योग है। रुई अगर आप देखते हैं तो निरोग होने के योग है, आप ठीक हो जाएंगे बिल्कुल। और अगर आप कुत्ता देखते हैं तो पुराने मित्र से आपका मिलन होगा। और सफेद फूल अगर आपने देख लिया तो किसी बहुत बड़ी समस्या से आप छुटकारा पा सकते हैं। सफेद सांप के काटने से आपको धन की प्राप्ति होती है। और लाल फूल अगर आप देखते हैं तो ये मान के चलिए कि आपका भाग्य चमकता है। नदी का पानी अगर आप पीते हैं तो सरकार से आपको लाभ प्राप्ति होती है। और अगर आप धनुष की प्रत्यंचा चढ़ाते हैं तो ये मान के चलिए कि आपको यश वृद्धि में पदोन्नति मिलती है। और अगर आप घास का मैदान देखते हैं तो धन लाभ की योग है। दीवार में अगर आप कील ठोकना, अगर आप दीवार में कील ठोक रहे हैं तो किसी बुजुर्ग व्यक्ति से आपको लाभ हो सकता है। और अगर आप दीवार देख रहे हैं सपने में तो सम्मान बढ़ता है आपका। और अगर आप बाजार देखते हैं तो दरिद्रता दूर होती है। लोमड़ी देखते हैं ना अगर आप, तो किसी घनिष्ठ व्यक्ति से आपको धोखा मिलता है। तो मैंने आज आपको इन कड़ियों के अंदर और बहुत सी चीजें बताई, बहुत से ऐसे कारण बताए कि जिसके स्वप्न के फल जो हैं अच्छे और बुरे क्या है। आपको कुछ कभी स्वप्न आए तो आप इसको देखकर उसे इमेजिन कर सकते हैं, पता लगा सकते हैं। बाकी यही कहेंगे कि खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, हंसते रहिए और अपने अपने धर्म का पालन करते रहिएगा। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अपना प्यार भी बनाए रखिएगा, हमें सब्सक्राइब कीजिएगा, हमें लाइक कीजिएगा, आपकी शेयर और टिप्पणियों का हमें इंतजार रहता है। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।